अरे भाई जाओ, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इन चीजों के लिए उनको पकड़ो। हमारे बीच से बेरोजगार संगठन के प्रत्यक्ष भाई बॉबी पवार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप लगाओ ना आदित्य भाई भी कहीं ना कहीं पूर्व छात्र संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, बेरोजगारों का। अरे हम तो बोल रहे हैं यार, इस बेरोजगारी से वैसे युवा त्रस्त है, बेरोजगार वैसी त्रस्त है, उससे बढ़िया हम ऐसे मार लो यार, क्या करो, जान ले लोगे ना, इससे ज्यादा क्या करोगे। युवा जो है परेशान, हम मरने को तैयार है यार, हम बोल रहे हैं एक की कुर्बानी देंगे, और सबसे पहले सरकारी अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, और लोग भी अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। जब तक आप सोचोगे कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, और आपको ये सोचना चाहिए हर घर से भगत सिंह तभी निकलेगा जब अपने अंदर से आपकी मन की आवाज आएगी। और मोहन भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ, जिनका सिलेक्शन पुलिस में हुआ है या जो रिजल्ट कल पुलिस का रिजल्ट आया था उसमें कांस्टेबल का सिलेक्शन, भाई गलत फहमी का शिकार मत होना, ये भटकाने का तरीका है भाई। इतनी भर्तियां निकली, लोगों ने फिजिकल तक पास किया, परीक्षाएं निरस्त हुई। आपको अगर लगता है कि ये जो रिजल्ट निकला क्या इसमें क्या घपला नहीं हुआ होगा? श्योर है, डैम श्योर है, इसमें भी घपला है भाई। जब पीसीएस तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन नहीं हुआ है, 160 वाले का सिलेक्शन और 165 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मैम बिल्कुल सही बोल रही है, क्या चोरी है, बहुत बड़ी चोरी, बहुत बड़ी चोरी है। अब अगर अभी भी तुम्हारे कान नहीं खुलते हैं तो बेवकूफ है, मर जाओ, डूब मरो पानी में, अगर तुम्हें अभी भी नहीं दिखता है 165 नंबर लेके भी, मतलब बेरोजगारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आदित्य भाई आप क्या लोगों से, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये हम कह रहे हैं यार, चाहे हमें यहाँ पर आत्मदाह करना पड़े, हम वो भी करने को तैयार हैं। इस प्रदेश के लाखों युवाओं बेरोजगार को लेकर एक आदमी अपना त्याग भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं यार, हम कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, सिस्टम के लिए आप, हम इस देवभूमि से हैं जहाँ वीरचंद सिंह गढ़वाली जैसे लोग थे, सिस्टम को आप तैयार है। आप सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सिस्टम ने जो रास्ता ये बंद कर दिया, आप देख रहे हैं ना, किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा तानाशाही रवैया, ऐसा हिटलर शाही रवैया क्यों है? क्योंकि एक ही सरकार को अगर आपने दोबारा पुनः जिताया है ना, तो उनके अंदर इतना घमंड हो चुका है, इतना अहंकार हो चुका है। तो याद रखना, अहंकार रावण को भी था लेकिन उसकी लंका भी चली थी। बिल्कुल सही बात, आज नहीं तो कल इसका नतीजा आएगा, तुम पर नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पर आएगा, तुम्हारी औलादे नहीं, तुम्हारी औलादे भी आने वाली है। मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, जब आपका ग्रेड पे का मामला था ना, तो आप लोग भी अपने परिवार के साथ, बिल्कुल सही बात कही है, तो हम लोगों ने भी आपका समर्थन किया था। पुलिस वाले की फैमिली भी आगे आई थी धरने देने, हमको याद है, हमने भी उनका, यही सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपका 4800 ग्रेड भी आगे करा जाएगा। आपके ग्रेड पे के लिए जब हम आपका समर्थन कर सकते हैं, तो आप युवाओं पर ऐसे लाठियां क्यों बांध रहे हैं? अरे भाई वो क्रिमिनल थोड़ी नहीं है कोई। अरे कल हमें उठाया गया जब धरना स्थल से, पुलिस वाले माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, अरे उठाओ शांतिपूर्ण तरीके से उठाओ ना, हमने थोड़ी नहीं पत्थरबाजी की थी। और सरकार को मैं बोलना चाहूंगा, अगर अब भी आप नहीं जगे ना, ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, ये आंदोलन का इतिहास है, जिस आंदोलन में युवा जुड़ा है ना, वो आंदोलन आप सोच लीजिए बहुत बड़ा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। जब तक ये सिस्टम की सफाई नहीं होगी ना, कोई परीक्षा ही नहीं होगी, कोई पेपर नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला, हमें पेपर नहीं चाहिए, हमें सिस्टम की सफाई चाहिए। बिल्कुल सही बोला। ये पटवारी के पेपर के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम ये वही युवा हैं जो कल पेपर देने जाएंगे, इनका क्या मानसिक स्थिति अभी इस समय होगी? भैया मैं तो कह रहा हूँ, युवाओं के अंदर अगर इतना विवेक बचा है ना, बॉयकॉट कर दो पेपर का। लेकिन जो पेपर देने जाना चाह रहा है ना, जोर जबरदस्ती के मन में नहीं, मैं जाऊंगा, समझ जाओ उसका पैसा लगाया है भाई, वही है जिसके पास 280 प्रश्न है, समझ जाओ आप। बिल्कुल सही बात कही, ये हकीकत है। मैं अपनी कॉपी 10 बार चेक कर चुकी हूँ, मेरी क्या गलती है उसमें, एक गलती नहीं दिख रही है मुझे अपनी, 10 बार जो सारी आंसर की उस बार चेक कर चुकी मैं। जो ये 12 तारीख को पेपर होना चाहिए इसके बारे में क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें भी ये चोरी घुसाएंगे, ये चोरों को ही सिलेक्शन देंगे। मैम आपके 165 में नहीं हुआ, आपके दोस्तों का 160 में हुआ है, 160 161 162 163 164। मैं 165 में हूँ तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सही मैम, जो रिजल्ट कल आया हमने देखा, रिजल्ट में ना कट ऑफ का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं है। तुम कट ऑफ तो दो, हमें संतुष्ट करो, तुम एक बार कट ऑफ नहीं है। बिल्कुल सही बात, इस पे तुम्हारा इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इस पे तुम प्रूफ दो भाई, हमें प्रूफ चाहिए। आपने देखा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, 1500 पोस्टों पे 2300 लोगों का जो नाम आया है, पूरा दिमाग इन्होंने हमारा, हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, कुल मिला के हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, टीका के बच्चा जो है ये हमारे दिमाग से खेल रहे हैं कि अगर बच्चा यहाँ धरना स्थल में 2500 बच्चे भी अगर यहाँ से कम हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात की अगर उन्होंने जो 2300 बच्चे, अभी बच्चा खुश हो रखा है, मेरा सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन क्या करेंगे जैसे इनका जांच होगी ना, वैसे जैसे इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, ये क्या करेंगे, वो 1500 में से 1500 को हटा देंगे। किसी का ये कहना था मैम एक बात कि अब तो पुलिस के पास वो 2300 नाम है, इनकी जाँच कराई जा सकती है। बिल्कुल कराई जा सकती है, क्यों नहीं, आप तैयार हैं उन 2300 की जाँच हो जाए, सबकी जाँच, अरे हमारी भी जाँच करोगे तो मैं इतना ही बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात, अगर हम गलत है तो हमें भी पकड़ो, और तुम करो तो जाँच। अरे हम तो हर एक बच्चे को बोल रहे, जो
मैम निचले स्तर से ऊपर मस्तक कर ले दे के बात वही आ जाती है। ये तमाम वही युवा है जो मोदी मोदी के नारे मारता है और धामी धामी के नारे मारता है। हम भी धामी धामी बोल रहे थे, आज तक हम धामी धामी बोल रहे थे, लेकिन आज जो तुमने युवाओं के साथ किया ना, अब ना हमारे लिए मोदी है ना ही हमारे लिए कोई धामी है। जब तुम बच्चों के भविष्य के बाद, हमारे माँ बाप घर में किसानी करते हैं, एक महीने का किराया देते हैं, अगले महीने के लिए हमारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि कैसे अपने बच्चों को पैसे भेजे, मतलब हमें पता है ना हमारे बाबा कैसे कर रहे हैं। सही बात कही मैम आपने, माँ बाप यहाँ पे वो नहीं है कि बिल्ला बैठे होंगे यहाँ पर कोई। सही बात कही मैम। तो ये हमारे साथ एक छात्रा है जिन्होंने 165 नंबर लाने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका आक्रोश कहीं ना कहीं जायज है। कुछ छात्र और बैठे हैं हमारे साथ यहाँ पर, सुबह से लगातार ये लोग हिल नहीं रहे हैं। आखिर आपका भी तो एग्जाम होगा कल, आप क्या सोच रहे हैं उस पेपर के बारे में? आपको नहीं चिंता है अपने पेपर की, जाना नहीं है? ऐसा पेपर देंगे कोई फायदा नहीं है जब पहले से पता हो कि पेपर बाहर आउट है, ठीक है। 80% के क्वेश्चन बैंक है जो अभी भी बाहर आउट है और उसके क्वेश्चन सार्वजनिक नहीं किए गए आयोग द्वारा। हमारी मांग यही है कि पहले वो क्वेश्चन सार्वजनिक किए जाएं, पारदर्शी तरीके से पेपर हो, उसके बाद ये पेपर हो। 12 तारीख के पेपर का कोई औचित्य नहीं बचता है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? ये पेपर जो होने वाला है, इस पेपर पे कोई संज्ञान लेगी सरकार? सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना छात्रों की संख्या तुम देख रहे हैं। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम किसी घर की चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं कर रहे, कहीं गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे भाई लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो चूड़ी पहनो, घर में बैठ जाओ। बहने आगे हैं हमारे, जो 5 भाई लोग थे जिन्होंने मैम राधा तुड़ी से बात की है और मैम सीएम सर के पास गई है, तो फिलहाल टाइम लग रहा है। और हमारी जो मेन कार्रवाई ये है कि जो हमारे बंदे अंदर है उन्हें पहले बाहर लाओ, जो धाराएं लगी उनके उन्हें हटाए जाए अच्छे तरीके से। और कल का जो पेपर है, आप तो इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बता सकते हैं जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में असमंजस में है कि वो कल आखिर होने वाला क्या है? क्योंकि तमाम ये छात्र हैं, किसी का सेंटर उत्तरकाशी है, किसी का पौड़ी है, इन छात्रों को अपने सेंटरों पर भी जाना है और यहाँ धरने पर भी बैठना है, तो एक साथ दो काम कैसे छात्र करें? इन्हीं की वजह से जो इनको इनका सेंटर दूर दूर है, क्योंकि इन्होंने बसें तो प्रोवाइड करा दी है, पर बसें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद गाँव गाँव में जिनके सेंटर पड़े हैं, जो दोस्त जिनके पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास चलो बाइक है वगैरह, स्कूटी वगैरह है, और जिनके पास नहीं है, चलो लड़के तो कहीं से निकल जाएंगे, लड़कियां कहाँ से जाएगी है, उनके पेपर कहाँ से आएंगे? तो बात यह है कि इस पेपर को हम थोड़ा पोस्टपोन कराने की पूरी वो है कि हम ये पेपर थोड़ा पीछे जाए, बच्चों को समय मिल पाया बच्चों को पेपर के, अगर तुम पेपर कर रहे हो मना नहीं चाहिए, पर पेपर थोड़ा पीछे जाए जो बच्चे अपनी जगह पहुंचे। आपके डेलीगेशन ने अभी बात की है उनसे कि आपको कुछ आश्वासन, क्या मैं आश्वासन मिला है अभी आपको? बात की है, बोल गया मैम राधा थोड़ी के पास बात बैठे हैं जी, उसके बाद सीएम सर के पास जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं आप क्या होता है। तो ये हमारे भाई जो है, आपने देखा लगातार ये इस आंदोलन शुरू से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो इनका डेलीगेशन है उनकी बात अभी जो सचिव है राधा रतूड़ी जी उनसे हो चुकी है, वो सीएम के पास गई है, तो शाम तक खबर शायद आ सकती है कि इस पेपर पर सरकार द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। तो तब तक आप धैर्य बनाए रखें और तमाम जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को ये आश्वासन मिले कि जो कल हमारी परीक्षा है उस पर सरकार सोच रही है। देखिए इतनी लंबी सोच हो सकती है, भगवान के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। तमाम ये युवा हैं, हमने उनसे बात कराई आपकी। एक निराश युवा ये भी बैठे हैं, इनका सेंटर टीवी पड़ा है। आपका सेंटर टीवी पड़ा है, आप क्या सोच रहे हैं? आपको तो कल निकलना है। पेपर रद्द कराने आए हैं हम, पेपर चाहते हैं कि पेपर रद्द हो, क्योंकि जब तक धांधली हो रही तब तक हम पेपर देके करेंगे क्या? सही बात है, करेंगे क्या? जब हमें पता कि पहले पेपर लीक हो रहा था तो हम वहाँ बैठेंगे, हमें पता कि पहले पेपर रद्द चुका है। आप भी अभी हमारी एक छात्रा से बात हुई, उनका ऐसा कहना है कि उनका 165 नंबर में जो है पुलिस में नाम नहीं आया, उन्हीं की मित्र का 160 में आया है। तो आपका इस पुलिस के रिजल्ट को लेकर क्या कमेंट है आपका? जो कल रिजल्ट आया था उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी का नाम उन्होंने वो नहीं किया है, सिर्फ रोल नंबर दिए, इससे कोई भी पता नहीं चल रहा कि मेरिट कितनी गई है, कितने बेस पे ले रहे हो, ठीक है, चीजें तो बहुत गलत है। दूसरी बात की जो बंदे मतलब 148 में उनका सिलेक्टेड हो रखा है, जो 155 160 है उनका किसी का नाम ही नहीं है, रोल नंबर ही मिल नहीं रहा है, मतलब ये पता नहीं चल रहा कि आया कि नहीं आया, मतलब बच्चों के साथ धांधली हो रही है, होती रही है, जरूरी है आज के टाइम। क्या आपको आश्वासन मिली है किसी आदेश सरकारी से, वो मिला है आपको? देखिए अभी हमारी किसी से आदेश तो हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है, पर हमारा जो स्टूडेंट का डेलीगेशन है उन्होंने सचिव राधा रतूड़ी जी से बात करी है और अभी वो मुख्यमंत्री के पास गए हैं। तमाम ने वो युवा है, सुबह से हम लोग बैठे हैं, हमने सिर्फ नाश्ता किया, हम लोगों ने सुबह एक दो रोटी खा के निकले हैं, लेकिन दिन का लंच का समय हो गया, हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, हम भूखे ही। हमारी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली मांग है हमारे जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, उनको रिहा किया जाए। उन पर आपने क्रिमिनल से भी बुरे चार्जेस जो लगाए हैं, ये
किसी देशद्रोह पर भी जिस पर मुकदमा होता है उस पर भी इतने गंदे चार्जेस नहीं लगते हैं जितना आपने बॉबी पवार पे लगाया है। अरे वो बॉबी पवार कोई क्रिमिनल नहीं है, वो हमारी आवाज उठा रहा है। तमाम हम युवा हैं यहाँ पर, सुबह से बैठे हैं, आप देख रहे हैं 3 दिन हो गए आज हमें, किस तरीके से पुलिस ने हमारे साथ क्रूरता करी है, किस तरीके से हमें सताया गया है, वो हमारी आवाज उठा रहे तो आपने उन्हीं को दबा दिया। हम सरकारों से कह देना चाहते हैं, अगले 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सरकार ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो पूरे भारत में जाने वाला है, पूरे भारत के लोग इसे देख रहे हैं, तमाम वो सरकारें सुन ले, जो लोग अगर अन्य प्रदेश से मेरी बातें सुन रहे हो तो ये ध्यान दे दे, अगर बीजेपी कहीं भी आती है आपसे वोट मांगती है कि हम युवाओं का भला करेंगे, तो एक बार जरा इन युवाओं का हाल देख लेना उत्तराखंड में, हम युवाओं का हाल कैसा हो रहा है। ये तमाम जो युवा पार्टी बनती है बीजेपी ना, धामी जी जो हमारे स्मार्ट सीएम है, इन्हें मैं कह देना चाहता हूँ, ये स्मार्टनेस से कुछ नहीं चलेगा। असली स्मार्टनेस तब है जब आप युवाओं का साथ दो, युवाओं के साथ खड़े हो, ये नहीं कि आप कायरों की तरह अंदर बैठकर यहाँ पर अधिकारियों को भेज रहे हैं। अरे ये अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं, मार मार कर हमारी हालत खराब कर दिया। कल देखा आपने किस तरीके से इन्होंने देहरादून को जो है छावनी बना दिया था, आदमी कम पुलिस ज्यादा दिख रही थी, लगातार हमें मार दिया जा रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग घर में हैं, देखिए ये लड़ाई हमारी सिर्फ पर्सनल नहीं है, लड़ाई हर एक वो युवा की है जो घर में बैठा है। आप घर में भी बैठे हैं तो भी आप इस लड़ाई के बराबर भागीदार बन सकते हैं। ट्विटर पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, ट्वीट करिए, लगातार आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे तमाम पोस्ट शेयर कीजिए। राहुल गांधी जी ने भी इस पोस्ट को शेयर कराया है, लेकिन मोदी जी जो कि एक शिखर धवन की उंगली पे टूट जाने पर ट्वीट करते हैं, तमाम कल देहरादून किसी भी प्रदेश की राजधानी सबसे बड़ी होती है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कल जली है, लेकिन मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया कि इन युवाओं को मैं आश्वस्त करता हूं, मैं युवा हूं। इससे अच्छा तो राहुल गांधी हमारे युवा। हमें सरकार से एक ही शिकायत है कि हमारी त्वरित जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए और हमें ऐसा आश्वासन दे कि आप जो भी कर रहे हैं छात्र हित में कर रहे हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें कोई भीख में नौकरी नहीं चाहिए यार। या तो आप हमें बता दो कि कितने में आप पेपर बेचोगे, 10 लाख 20 लाख, हमारी औकात होगी हम खरीद लेंगे, नहीं औकात होगी तो हम कहीं और जाके कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है ना।